Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the topic equality and inequality of reasoning subject. ठीक है, जो reasoning section है हमारा उसमें inequality equality पूछी जाती है guys. 5 marks के लिए ये question होता है. Easy questions होते हैं, सिर्फ हमें वहाँ पे इस जैसे मैंने आपको coding decoding में बताया था कि आपको just थोड़ा सा presence of mind से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं. कन्फ्यूजन के कारण हम गलतियां भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमने अटेंशन प्रॉपर नहीं दिया, इजी समझ के हमने लाइटली ले लिया तो ये क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं गाइज. ठीक है, सो गाइज कुछ टिप्स है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए कुछ सिम्बॉल्स हैं, पहले तो सिम्बॉल्स की मीनिंग समझ लीजिए. जैसे ये ग्रेटर देन का सिंबल फर्स्ट नंबर पे आपको जो दिख रहा है ये होता है. ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है. इसका मीनिंग होता है फर्स्ट एलिमेंट जो है जो इसके लेफ्ट साइड में है. ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ये ग्रेटर देन रहेगा सेकेंड एलिमेंट जो इसके राइट साइड में है एलिमेंट. ठीक है, सो जैसे मैं अगर यहाँ पे पी लिखता हूँ तो पी ग्रेटर देन क्यू रहेगा. आ गया ख्याल में गाइस? पी ग्रेटर देन क्यू रहेगा, ये समझने के लिए मैंने आपको लिखा था वहां पे. ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर का सिंबल दिख रहा है हमें ये स्मॉलर देन का रहेगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट रहेगा यहाँ पे ये स्मॉलर देन रहेगा, जो सेकेंड डिजिट यहाँ पे रहेगा, सेकेंड एलिमेंट, सॉरी डिजिट मेरे मुंह से निकल रहा है लेकिन एलिमेंट की बात करेंगे हम, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एनीथिंग कुड बी देयर. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर रहेगा राइट हैंड साइड पे ये ग्रेटर रहेगा. ठीक है, इक्वल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो है ये इक्वल रहेंगे. ठीक है, अब अगर ऐसा साइन दिखे आपको, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, एक तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा. ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट रहेगा ये ग्रेटर रहेगा या फिर इक्वल रहेगा राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में. ठीक है, फिफ्थ नंबर का जो सिंबल दिखेगा, अगर ऐसा सिंबल आपको दिखता है तो ये फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो इसका जो लेफ्ट वाला एलिमेंट रहेगा ये स्मॉलर देन और इक्वल टू रहेगा सेकेंड एलिमेंट के कंपैरिजन में. ठीक है, जो यहाँ पे राइट साइड में एलिमेंट रहेगा उसके कंपैरिजन में. ठीक है, और लास्ट में ये नॉट इक्वल टू का साइन हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द सेकेंड एलिमेंट. ये जो सिक्स नंबर का आपको साइन दिख रहा है, एक तो बड़ा है या फिर छोटा है, ये जो साइन दिखेगा इक्वल और उसके ऊपर ऐसे ऑब्लिक. ठीक है, सिक्स नंबर का साइन. और आगे बात करेंगे हम गाइस, अब जैसे आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि उसका कंक्लूजन क्या होता है, कुछ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं उसका कंक्लूजन क्या बनता है. सो गाइस देखिए, अगर आपको ये जो यहाँ पे 5 टाइप्स दिख रही है ना, ये 5 टाइप्स में आपको अगर स्टेटमेंट दिखते हैं तो उसका कंक्लूजन, जैसे ए बी सी के यहाँ पे एज एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, सो कंपेरिजन किया हुआ है, तो उसका कंक्लूजन देखिए, अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ऐसे आपको दिख रहा है तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन सी. ठीक है, अगर सेकेंड नंबर की बात करेंगे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर और इक्वल टू सी ऐसे भी आपको अगर दिख रहा है स्टेटमेंट तो उसका भी फाइनल कंक्लूजन ग्रेटर देन ही बनेगा, ए ग्रेटर देन सी. ठीक है, क्योंकि आपको बीच में साइन सिमिलर, जैसे ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू के साइन आपको रेंज नज़र आ रही है एलिमेंट्स के बीच में, सिर्फ अपोजिट साइन नहीं होने चाहिए बीच में, अगर अपोजिट साइन रहते हैं तो वो फॉल्स कंक्लूजन होता है उसका. अगर आपको सिमिलर टाइप नज़र आ रही है तो ग्रेटर
और ग्रेटर देन है और इक्वल टू के साइन नजर आ रहे हैं, लेकिन बीच में ग्रेटर है या फिर स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू रहेगा या फिर इक्वल रहेगा, ऐसी रेंज है। सिर्फ अपोजिट यानी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन अगर दो एलिमेंट के बीच में रहता है तो वो उनका कंक्लूजन फॉल्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी रेंज मिले ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो यहाँ पे रेंज जैसे ये सिमिलर टाइप के साइन है ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका भी कंक्लूजन क्या बनेगा, फाइनली ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। थर्ड नंबर भी बात करेंगे हम, तो यहाँ पे ए ग्रेटर और इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, इसका भी कंक्लूजन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। फोर्थ जो है ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, इसका भी कंक्लूजन क्या बनेगा गाइस, जैसे मैंने बोला था कि इक्वल हो या फिर ग्रेटर और इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन हो या फिर इसके अपोजिट वाले साइन स्मॉलर हो, स्मॉलर देन और इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो, ये अगर ये तीनों टाइप्स अगर सिमिलर रेंज में आपको दिखे, जैसे यहाँ पे ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू ये सिमिलर टाइप के सिम्बॉल्स हैं, मैं आपको बेसिकली बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जनरल थिंकिंग जो होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या बनेगा, ग्रेटर देन रहेगा 100% ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, तो अपोजिट साइन आ गया ना, एक ग्रेटर देन का आ गया एक लेस देन का आ गया, तो ये फॉल्स होता। मैंने इसलिए कहा सिमिलर टाइप के जैसे ग्रेटर और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ऐसे साइन हैं तब उसका कंक्लूजन ग्रेटर देन वाला बनता है, अगर स्मॉलर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन है तो स्मॉलर देन वाला कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, अगर ऐसी केस आपको अभी ये अपोजिट है स्मॉलर देन की केस है, इसमें क्या यूज़ किया, ए ग्रेटर देन बी सॉरी ए सिक्स नंबर की केस देखिए, ये वाली ए लेस देन बी लेस देन सी, तो इसमें कंक्लूजन क्या बनेगा गाइस, आप ही बताइए, अपोजिट सी ग्रेटर देन ए, ठीक है, आपको स्मॉलर देन का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपोजिट अगर आप रिवर्स ऑर्डर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो आपने अगर एक भी सिंबल हो ग्रेटर देन का हो या फिर ग्रेटर सॉरी या फिर स्मॉलर देन का हो या फिर ग्रेटर और इक्वल टू का हो या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू का हो, तो आप इस इक्वेलिटीज इन इक्वेलिटीज़ को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ एक सिंबल का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, तो आप इसको आपके हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6, 7, 8, 9 ठीक है और 10 ये जो केसेस है 6 to 10 तक, इसका कंक्लूजन क्या बनता है, सी ग्रेटर देन ए, क्योंकि देखिए आप सी पहली 6 नंबर की केस डिस्कस करेंगे हम, ए लेस देन बी लेस देन सी, रिवर्स ऑर्डर में पढ़िएगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो क्या बनेगा, सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए इक्वेलिटी को, तो आपको जैसे पढ़ना है, आपको जैसे कंसेप्ट समझ में आए उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। सेवेंथ भी देखिए, ए लेस देन बी लेस और इक्वल टू सी, या फिर आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़िएगा, सी ग्रेटर और इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो क्या बनेगा, सी ग्रेटर देन ए, यही कंक्लूजन बनेगा। ऐसे ही एट्थ और नाइन्थ का केस है, ठीक है, टेंथ ये भी सिमिलर केस है, सी ग्रेटर देन ए बनेगा। अब एलेवेंथ डिस्कस करते हैं, अगर आपको ग्रेटर और इक्वल टू या फिर ग्रेटर और इक्वल टू ऐसे साइन अगर नज़र आए तो उसका कंक्लूजन आइदर ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी का बनता है, ठीक है, या फिर स्मॉलर देन और इक्वल टू या फिर इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू ऐसे आपको रेंज नज़र आए तो उसका इक्वेशन बनता है सी ग्रेटर और इक्वल टू ए या फिर सी ग्रेटर और इक्वल टू सो सी इक्वल टू ए, ठीक है। जैसे हम एलेवेंथ की डिस्कस करेंगे, जैसे एलेवेंथ केस देखिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी का ये केस बनेगा। सिमिलर केस ट्वेल्थ डिस्कस करेंगे, ए इक्वल टू बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, ठीक है, तो केस क्या बनेगा गाइस, वही बनेगा आइदर ए ग्रेटर देन सी और इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ये नज़र आ रहे हैं ए ग्रेटर देन सी ए इक्वल टू सी, तो आप आइदर और का ऑप्शन लगा लीजिए, अगर ये बी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है तो आइदर बी और सी,
अगर ए बी है तो आइदर ए और बी, ठीक है, आइदर का ऑप्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 13 नंबर का भी केस देखिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तब भी क्या बनेगा, आइदर ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी, ठीक है। अब 14th, 15th, 16th, इन केसेस में अपोजिट, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया उसके अपोजिट, सी ग्रेटर और इक्वल टू ए, कंसेप्ट वही लगेगा गाइज, ठीक है। अब देखिए जो मैंने 17th से हम स्टार्ट करेंगे, अभी 17th पे देखिए, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, अपोजिट साइन नजर आ रहा है, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का लग रहा है, एक ग्रेटर देन का लग रहा है, तो इसमें फॉल्स कंक्लूजन बनता है, ठीक है। 18th में भी फॉल्स कंक्लूजन बनेगा, अपोजिट साइन अगर नजर आए आपको बीच में तो फॉल्स कंक्लूजन बनता है गाइज। अप टू 22 यही केसेस है मैंने डिस्कस की हुई, ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सेटअप रहते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे टू टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, एक कोडेड इनइक्वालिटी होती है, एक डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब जैसे आपको कोडेड यानी कैसे, आपको साइंस दिए रहेंगे जैसे डॉलर, एट द रेट, परसेंट, कॉपीराइट और हैश, ठीक है, और इनको आपको ऐसे बताया जाएगा, जैसे पी कॉपीराइट क्यू का मीनिंग क्या होगा, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो आपको यहाँ पे कोट करना है, जैसे आपको कैसे कोड करना पड़ेगा भाई, पी ग्रेटर देन क्यू, तो पी ग्रेटर देन क्यू, तो ग्रेटर देन क्या हो गया, कॉपीराइट का साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन। परसेंट कैसे, पी परसेंट क्यू कैसे मेंशन किया गया, पी इज स्मॉलर देन क्यू, तो पी, तो परसेंट का कैसे कोड करेंगे हम, परसेंट को स्मॉलर देन, तो ऐसे, ठीक है। बाद में एट द रेट है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर एट द रेट का कैसे बनेगा साइन, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ऐसे। फिर डॉलर है तो क्या किया है, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो डॉलर का कैसे बनेगा, जैसे स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है। और हैश का इज इक्वल टू, तो हैश क्या बनेगा गाइस, इक्वल टू, ठीक है। सो ऐसे कोट होंगे ये। अब देखिए हम इसके अब ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इफ कंक्लूजन वन इज ट्रू तो ए ऑप्शन कीजिए, इफ कंक्लूजन बी सेकंड इज ट्रू तो बी ऑप्शन कीजिए, इफ आइदर और वन और टू ट्रू है तो फिर सी कीजिए, इफ नाइदर ट्रू है, नाइदर वन नॉर टू तो डी कीजिए, और बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू देन ई ऑप्शन क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम एट द रेट आर, तो एट द रेट का क्या होता है गाइस, देखिए तो एट द रेट का होता है ग्रेटर और इक्वल टू, जैसे हमने कन्वर्ट करने के बाद देखा एम, तो एट द रेट है एम और आर के बीच में, तो ग्रेट एम ग्रेटर और इक्वल टू आर आएगा, फिर आर क्या है कॉपीराइट एफ, तो कॉपीराइट का क्या बना है ग्रेटर देन, तो आर ग्रेटर देन एफ, ओके। और अब एफ हैश यल है, तो हैश क्या है इक्वल, तो एफ इज इक्वल टू यल। बस अभी इन जो ये जो स्टेटमेंट्स है जो हमने सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिए, हमारे जो एक्चुअल सिंबल्स हैं इनइक्वालिटीज़ के, तो अब हमें इनको कनेक्ट करना है एक सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट में, यानी हम नीचे वाले ऑप्शंस को आंसर कर सके। फिर m ग्रेटर और इक्वल टू r, फिर r क्या क्या बना है, r ग्रेटर देन f, और f इज इक्वल टू क्या रहेगा l, ये हमारा बना सिंगल स्टेटमेंट। अब हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन क्या है, r ग्रेटर r एट द रेट l, तो एट द रेट का क्या है ग्रेटर और इक्वल टू, तो r ग्रेटर और इक्वल टू l, तो r ग्रेटर और इक्वल टू l बनता है क्या, नहीं। मैंने क्या बोला था, अगर ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है और इक्वल टू का भी साइन नज़र आ रहा है तो ग्रेटर देन ही बनेगा, जैसे हमने ए ग्रेटर देन सी का केस डिसाइड किया था, तो ये आर ग्रेटर और इक्वल टू का ये बनेगा नहीं, तो वन तो हमारा रॉन्ग हुआ। एम ग्रेटर और इक्वल टू एन बनेगा क्या, यम ग्रेटर और इक्वल टू एल, सो गाइज यम ग्रेटर और इक्वल टू एल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू नज़र आ रहे तो ग्रेटर देन का केस बनता है, ठीक है। तो ये यम ग्रेटर और इक्वल टू एल भी नहीं बनेगा, ठीक है, यम ग्रेटर देन यल बनेगा, यहाँ पे भी आर ग्रेटर देन यल बनेगा, लेकिन यम ग्रेटर और इक्वल टू यल या फिर आर ग्रेटर और इक्वल टू यल का केस नहीं बनेगा। तो इस टाइप में गाइज हम ये जो इसके क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये तो मैंने सीधे स्टेटमेंट डाले, आपको ऐसे निगेटिव फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस बोले जाते हैं, जैसे
पी इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं, पी इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो स्मॉलर देन, ठीक है, डेफिनेटली वही बनेगा। तो ऐसे निगेटिव, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट है कोडेड इनइक्वालिटी के फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चंस अगर अपन आपको आए एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कभी कभी ऐसे डायरेक्टली डायरेक्ट इनइक्वालिटी दी जाती है, ठीक है, तो सिर्फ हमें ज्वाइन करना होता है कुछ स्टेटमेंट को। जैसे अभी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, अगर ऐसे स्टेटमेंट आए जिसमें ज्वाइनिंग की ज़रूरत है तो आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढ के उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी टी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं हमें जिनको डिवाइड करके दिया हुआ है स्टेटमेंट को, उसमें टी कॉमन है तो टी के हिसाब से हम जोड़ेंगे। फिर आर ग्रेटर और इक्वल टू यस ग्रेटर और इक्वल टू टी ग्रेटर देन यू, ठीक है, और ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन टी के साथ हम और क्या मिलाएंगे फिर अभी? जैसे टी लेस देन वी लेस देन डब्ल्यू, ठीक है। अब हमने ये केस बना ली, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक कीजिए कि किस किस की कंपैरिजन हो रही है। आपको टी के साथ टी को एक पार्ट के साथ टी को कंपेयर किया, अब दूसरे साथ पार्ट के साथ भी अगर टी को कंपेयर करना है कि ज़रूरत है या नहीं, तो जैसे आर और एक्स, तो आर और एक्स तो हमें इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आर यू जो टी का दूसरा पार्ट है, जैसे टी ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, और इसके साथ जो पार्ट आएगा अभी आर ग्रेटर और इक्वल टू यस ग्रेटर और इक्वल टू टी, ठीक है, तो आर और एक्स अब कंपेयर होंगे, ठीक है, आर ग्रेटर और इक्वल टू एस ग्रेटर और इक्वल टू टी, और बाद में फिर ये तो आर और एक्स तो इसी सेंटेंस में हमें मिल जाएगा। सॉरी, मैंने फिर ज़रूरत नहीं थी ये कंपेयर करने की, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें ये मिल रहा था। आर ग्रेटर देन एक्स होता है क्या? यस डेफिनेटली गाइज होता है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, ये एक सिमिलर टाइप के साइंस है और ये आर है तो इसमें ग्रेटर देन का केस बनेगा, तो आर ग्रेटर देन एक्स ट्रू रहेगा, आर ग्रेटर देन एक्स यहाँ पे ट्रू रहेगा, यहाँ पे भी ट्रू रहेगा, एक्स लेस देन आर अगर आप आर ग्रेटर देन एक्स पढ़े या फिर एक्स लेस देन आर पढ़े, सिमिलर है तो ये भी ट्रू रहेगा, तो बोथ ट्रू रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ई। सिर्फ अभी ये मैंने इसलिए आपको बताया था, ये जो ज्वाइन किए थे स्टेटमेंट ये इसलिए ज्वाइन किए थे गाइस कि आपको ज्वाइनिंग भी आनी चाहिए, तो कॉमन एलिमेंट लेके आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल गया, जो कंक्लूजन्स दिए हुए थे वो डायरेक्टली हमें सेंटेंस में मिल गए, लेकिन अगर हमें नहीं मिले डायरेक्टली, और ऑप्शन जो होते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके डायरेक्टली नहीं मिलते, शायद हमें कंपेयर करना ही पड़ता है कॉमन एलिमेंट लेके, तब आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे का भी क्वेश्चन देखिए, अभी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो सी और ए को कंपेयर किया गया, ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी बनेगा, यस बनेगा डेफिनेटली, सी ग्रेटर देन ए बनेगा, सी ग्रेटर देन ए नहीं बनेगा क्योंकि सी ग्रेटर देन ए बनता ही नहीं है, ठीक है, सी लेस देन ए बनेगा लेकिन सी ग्रेटर देन ए नहीं बनेगा, ये ए ग्रेटर देन सी का केस है, ठीक है, तो यहाँ पे वन ही रहेगा कंक्लूजन ट्रू, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए, ठीक है। सो गाइज ये सिर्फ मैंने आपका बेसिक जो नॉलेज था इसको ब्रशअप करने का बस एक एफर्ट किया है यहाँ पे। अगर आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी कभी साइन जो होते हैं ये हमें कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो बस साइंस का ध्यान रखिए, ज्वाइनिंग करते समय प्रॉपरली कॉमन एलिमेंट लेके स्टेटमेंट को ज्वाइन कीजिए, और इन क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उनको मत गवाइए। फाइव आउट ऑफ फाइव ऑफ मार्क्स यहाँ पे गेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा ओवरऑल स्कोर जो है ये बढ़ता है गाइज, ठीक है। सो गाइज़ अगर आपको प्लीज़ कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, एंड दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज़।